संजय नहीं है, चार चार आदमी मरवानी। एक वर्तमान मुखिया है, एक पूर्व मुखिया है, एक जसवाल नाम नहीं बोले, ब्रोकर ने मरवाया सीधा, क्लियर हमने कहा, याद होगा। घटना जादुका जी की हुई, उसमें मैंने उस दिन भी कहा था ब्रोकर ने मरवाया सीधा, क्लियर हमने कहा, याद होगा। अब उसमें संजय ही नहीं है, उसमें एक पूर्व मुखिया भी है, कोई हुतू हम नाम नहीं कहेंगे, एक वर्तमान मुखिया भी है, उसी भवानीपुर के दे दिए सर, एक जसवाल भी है, नाम नहीं बोलेंगे, चार आदमी इन्वॉल्व है। और जिसने उस केस का, चार आदमी इन्वॉल्व उस केस में, उन्होंने फर्जी एग्रीमेंट करा लिया, इसमें संजय नहीं है, चार चार आदमी मरवानी। एक वर्तमान मुखिया है, एक पूर्व मुखिया है, एक जसवाल है, एक और है। जी, और इसमें 12 से 13 करोड़ का मामला है, 14 करोड़ रुपया इनको देना था, मामला तो 60-70 करोड़ का, लेकिन वो 12 से 14 करोड़ रुपया देना था जादू का जी। पंचायत हुई थी, कौन कौन लोग, अच्छा जो लोग इस एग्रीमेंट करवाया है, जिनके जिनके नाम से एग्रीमेंट हुआ है उसकी, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जब संजय मंडल ने उस भगत ने एग्रीमेंट कराया तो फिर संजय भगत से बात फर्जी एग्रीमेंट किसके किसके। लेकिन मैं राजद से पूछना चाहूँगा, आप जो सुचित्रता की बात करते हैं या जो लोग, इतनी बड़ी घटना के बावजूद आपने बिना किसी जांच के आप क्यों इतनी जल्दीबाजी दिखा, लोगों में आपने संदेश क्या दिया, लोगों में संदेश क्या जा रहा है, जब आपके महागठबंधन के CPI वहां चुनाव लड़ रहे तो आप सपोर्ट कर देते, CPI के साथ खड़े हो जाते, अगले बार भी महागठबंधन के वो उम्मीदवार थे, आप फिर इनको आगे लड़ा देते। मैं अलग बात है, मैं कंप्लीट रूप से इसकी जांच पटना SIT से मांग करता हूं, और SIT से ना हो तो इसकी, इस केस की जांच कौन कौन लोग हैं, इसमें मंत्री और भी लोग इन्वॉल्व हैं, मंत्री संतरी के लोग हैं इसमें, तो इसकी जांच CBI से करा दी, कौन कौन लोग मंत्री संतरी से बात करते हैं, कौन जसवाल किसके नज़दीक हैं, कौन मुखिया किसके नज़दीक हैं, कौन पूर्व मुखिया किसके नज़दीक हैं, मैं सबको नंगा करूँगा। अब कौन है ये लोग मंत्री संतरी, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। इसमें पूर्व विधायक के बच्चे का क्या रोल भैया, पहले तो जो लोग का नाम मैं कह रहा हूँ, जसवाल, हितू मंडल, भरकू मुखिया मंडल, संजय भगत, तो पहले तो इन लोगों का कनेक्शन किस किस विधायक मंत्री से उसको आप देख लीजिए। संजय का कनेक्शन अन्य पूर्व विधायकों से किसका था वो भी देख लीजिए, और सामने में आया है इस बात को, उसकी जांच कर लीजिए, क्या सही में रुपया लेकर के वो मरवाने का काम किए हैं, उनका लोकेशन क्या है, अब तो टेक्निकल पर है, लोकेशन का पता चल जाएगा। और संजय भगत के द्वारा 45 लाख रुपया बाय पे फोन चेंज गया है, तो जब बाय पे फोन गया है तो इसमें क्या पूछना है, इसमें क्या पूछना है, बहुत क्लियर है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये ब्रोकर का नेक्सस है, थाना प्रभारी ब्रोकर, ये लोग मिले हुए हैं सारे लोग।